प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर हैं। वे करौली धौलपुर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा। धर्मेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र, क्या आप हमें बताएंगे कि जी बताएं आज मुझे। आज की आज क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का? कब वो वहां पहुंच जाएंगे और क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, बताना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री करौली के सिद्धार्थ सिटी क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को विजय शंखनाद रैली का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री लगभग 3:30 बजे करौली पहुंचेंगे। यहाँ 3 डोम बनाए गए हैं, लोगों में सुबह से उत्साह। हालांकि गर्मी और गणगौर और रमजान के त्योहार के बीच भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंदु जाटव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने यहाँ पहुंच रहे हैं। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री 5 माह में करौली दूसरी बार करौली जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। यह बताते चले कि भाजपा के साथ ही कांग्रेस ने भी भाजपा जो भजन लाल जाटव है उनको प्रत्याशी बनाया। जी यह एक चीज और बता रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी के साथ ही अन्य जो नेता है प्रधानमंत्री के साथ, वो यहाँ उनके साथ पहुंच रहे हैं। भजन लाल सीएम शर्मा जो है वो करौली पहुंच चुके हैं और सभा को संबोधित करेंगे। जी जी अभिषेक, जी और ये जनसभा के बाद क्या उनका कुछ और भी कार्यक्रम है, रोड शो का, या फिर खाली सिर्फ जनसभा ही है आज के दिन? देखिए बताना चाहूंगा अनिशा, यहाँ करौली में केवल जनसभा का ही कार्यक्रम है, लेकिन जनसभा को भाजपा ने विजय शंखनाद रैली का नाम दिया है और प्रधानमंत्री के साथ जो सीएम है भजन लाल जी, वो भी उसको संबोधित करेंगे। जी जी, अनिशा, और ये जो सभा है ये इंदु जाटव के समर्थन में की जा रही है, तो इंदु जाटव का क्या कुछ, किन मुद्दों पे वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? जी बताना चाहूंगा, इंदु जाटव करौली की पूर्व पंचायत समिति प्रधान रह चुकी हैं। जब उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि जो क्षेत्र की एक सबसे बड़ी जो मांग थी वो थी धौलपुर सरमथरा वाया करौली होती हुई गंगापुर सिटी रेल लाइन की। उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जल्द से जल्द रेलवे लाइन का काम पूरा हो और करौली में रेल की जो सिटी है वो गूंजे। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चाहे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी जो सुविधाओं का अभाव है, उन क्षेत्रों में भी उनका कहना है कि प्राथमिकता से इन मुद्दों को हल किया जाएगा। साथ ही आमजन की जो अन्य मांग है उनको भी हर संभव प्रयास करके पूरा किया जाएगा। जी 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 अनुषा, धर्मेंद्र जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।